क्योंकि एक अलग धर्म से थी आप, और अब आपने कल दोबारा से पूजा पाठ एक बार की है, वो भी हिंदुस्तान का नारा लगा रहे हैं कि हम अब इंडियन हैं। देखिए, हिंदू रीति रिवाज की हम बात करें तो फेरे होते हैं, एक अलग रीति रिवाज है। क्या आपका मन है कि उस तरीके से आपका विवाह भी हो ना, जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, तो क्या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, फिर तो मैं लकी हो जाऊंगी, इनसे शादी करी है, हिंदू धर्म में आई हूँ, तो मैं अब यहाँ की हूँ। मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। अच्छा, बहुत अच्छे हैं भारत के लोग, बहुत अच्छा है भारत, बहुत सुंदर यहाँ के, ये तो गांव है, ये से शहर जैसा है, बहुत सुंदर है यहाँ के लोग, यहाँ के मतलब जो मतलब मुझे मिले लोग पुलिस में बाहर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे आपकी लव कहानी की शुरुआत हुई? क्योंकि देखिए, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपको अब जाना जा रहा है, कैसा आप लोगों को लग रहा है, कैसे शुरुआत हुई, किसकी तरफ से शुरुआत? शुरुआत इनकी तरफ से हुई थी, जब हम पबजी गेम में गए तो मतलब मारिया खान तब मेरा नाम था, तो इनको बड़ी खुशी हुई कि लड़की नाम आ, लड़की आ गई। इनका दोस्त था, तो पहले इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मुझे, तो शुरुआत इनकी तरफ से हुई थी गेम में भी, और वैसे भी व्हाट्सअप नंबर इन्होंने मुझे दिया था अपना, और मुझे ये भी नहीं हुआ था पता था कि मतलब नंबर के आगे 91 मिलता है, यहाँ पर हमारा 92 मिलता है, और यहाँ का आधा घंटा आगे है पाकिस्तान से, हम आधा घंटा पीछे हैं आप सबसे, तो ये भी इन्होंने ही बताया था जब हम पता पड़ी, और इन्होंने शुरुआत करी 20 से स्टार्ट हुआ, 23 में आज हम साथ हैं। क्या आप कहेंगी, आप आज सचिन के साथ हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ भी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें आपके पति हैं हैदर, वो कुछ आरोप आप पर लगा रहे हैं, वो बार बार वहाँ की सरकार से गुहार कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, किसके साथ आप महफूज अपने आप को रखें? मैं सचिन के साथ महफूज हूँ, अब तो सोच भी नहीं सकती मैं पाकिस्तान जाने का, मैं पाकिस्तानियों के लिए नहीं कहूँगी, पर जो हैदर और हैदर के घर वाले हैं उनसे मुझे बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, वो तो मुझे रखेंगे नहीं, पत्थरों से और मारेंगे। उनके यहाँ ऐसा है, मैंने खुद के देखा हुआ है, एक लड़की थी बेनज़ीर नाम था उसका, उसने उसके पति ने भी दूसरी शादी कर रखी, बेनज़ीर बहुत खूबसूरत और छोटी थी, तब मेरी हैदर से नई शादी हुई तो मैं इनके गाँव चली गई, उसके भैया जब उसको किसी आदमी के साथ झूठ में या सच में देखा गया कि इसका अफेयर है, तो उसको जिंदा मतलब वहाँ खड्डा खोद के गोली मार के वैसे दफना दिया गया, तैयार करके घर से ले गए दुल्हन के जैसे, उसकी माँ चिल्ला रही थी मुझे, कह रही तुम मेरी बेनज़ीर लौट आई, जब मेरे पति से शादी हम दावत खाने गए, तो ऐसे नहीं छोड़ते। तो ये तो भारत और पाकिस्तान की बात है, हिंदू और मुसलमान की बात है, तो मुझे जिंदा कहाँ छोड़ेंगे। जब आप यहाँ पर आई तो बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने थी, अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, आप वहाँ की रहने वाली हैं, यहाँ भी आप एक दो दिन जेल में काट के आई सिर्फ अपने प्यार के लिए, तो वहाँ कुछ चुनौतियाँ रहीं या कुछ क्या फ़र्क आपको नज़र आया वहाँ के प्रशासन में और यहाँ के? पहले तो मैंने वहाँ कभी भी जेल नहीं देखी थी, कभी मैंने क्राइम नहीं करा, मैं घर में मतलब घर में रिग्लास था हमारा घर गांव में पहले, फिर कराची में, तो कभी ज़िंदगी में जेल का मुंह नहीं देखा हमने। और रही बात तो यहाँ की जेल में रह के भी घर की फीलिंग आ रही थी, सब बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान से हो तुम, पाकिस्तान से, सब शौक से मेरी स्टोरी सुन रहे थे, और सब जिसके न्यूज़पेपर आता था ना सब मेरे पास भगाते थे, तुम खबरों में आ रही हो, रोज़ाना न्यूज़ चलाती थी और न्यूज़ में मैं आती थी, सब मुझे बुलाती थी और सारे लोग मुझे अलग अलग बिठा के स्टोरी सुनते थे मुझसे। सचिन का परिवार कैसा लग रहा है, यहाँ के परिवार वाले, इनके घर में माँ बहन बच्चे सभी लोग होंगे, किस तरीके से आप अपने रिश्ते को यहाँ निभाएंगी? और यहाँ की सरकार से यही हुआ है कि मुझे यहाँ के आईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड बनवाना है ताकि बच्चे स्कूल जा सकें, बच्चे घर पर बैठे हैं, तो यही रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ के दे दें रहने की नागरिकता। सचिन, किस तरीके से आप अब सीमा को रखेंगे? देखिए, सरहद पार से सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आई हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं एक औरत में, बहुत सारी इच्छाएं भी होती हैं, किस तरीके से आप उसे पूरा करें? जी मैम, जिस तरीके की मेरे पर होगी, यानी कि अपने आप से ज़्यादा इनका कोशिश करूँगा, एक बार को मेरे पे ना होगी, इन पर इनकी कोशिश करूँगा मैं। सुना है आप बाहर नेपाल की सीमा में भी मिले, वहाँ मंदिर में आपने शादी की, किस तरीके से वो प्लानिंग आपकी रही जो आज सक्सेसफुल हो गई है? क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आप नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, क्या प्लानिंग रही, कहाँ से दिमाग में एक सोच आई कि हाँ मुझे ये काम करना है और सीमा को मुझे भारत में लाना है? प्यार, बस प्यार की खातिर ये सब। किस तरीके से आपने चीज़ें नेट पर देखी? यूट्यूब पर सर्च मारी थी कि ये हमारा जहांगीरपुर कहाँ है, कि हम नेपाल कैसे जाते हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे, वो अपने आप निकल जाते था। कितना विश्वास सीमा आप इस पर कर रही हैं सचिन पे? सबसे मैं जब मिली ना तब भी इन पे बहुत विश्वास था, अब तो इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए पूरे अपने घर से दुनिया वाले कहते, 4 बच्चों की माँ से शादी करी, इनको भी ताने सुनने पड़े,
फिर भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे कभी फील नहीं कराया कि मेरे चार बच्चे हैं, मेरे साथ इस तरह रहे कि मैं सिंगल जैसे हूँ, इस तरह मुझे इन्होंने रखा है, इतना मुझे प्यार देते हैं। कुछ इस तरीके की बातें भी सीमाई कि वहाँ से आप अपने पति की जमीन बेच कर आई हैं, जेवरात बेच कर आई हैं, वहाँ से पता चला आपके पति को कि आप दुबई चली गई हैं, तो क्या आपके उनके साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे, किस तरीके के? पहले तो वो मेरे रिस्पेक्ट नहीं करते थे, धमकी हमेशा धमकी देते थे, जब आऊँगा ये करूँगा वो करूँगा। दूसरी बात, वो तलाक के लिए तो उन्होंने खुद ही कहा था मुझे, और जो घर था इनका नहीं था, इन्होंने मुझे पैसे दिए बच्चों के लिए, खाओ उड़ाओ कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी। मैंने, मुझे इच्छा थी कि मैं घर बढ़ाना था, इतना कमरा और यहाँ तक का घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, कराची में ये 40 गज़ का घर भी बहुत बड़ा होता है, तो वही 40 गज़ का घर था, वो मैंने बेचा क्योंकि मेरे नाम से था। और मेरी मम्मी का सोना था, इन्होंने मुझे सोना नहीं पहनाया, एक अंगूठी मम्मी के पास पड़ी है, यही सोना था जो मेरे पास है अभी, पहना हुआ है मैंने। आपने नेपाल में शादी की थी, एक देखिए हिंदू रीति रिवाज की हम बात करें तो फेरे होते हैं, एक अलग रीति रिवाज है, क्या आपका मन है कि उस तरीके से आपका विवाह भी हो? बहुत मन है, पर यहाँ की कंडीशन सही नहीं है, तो मैं ये प्रेशराइज नहीं करूँगी। अगर होती, मेरे पति भी अगर होता तो हम बहुत डीजे फीजे बजा लेते हैं, पर अभी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है हमारी, तो मैं सिंपली हम करेंगे शादी। और आपने वैसे नेपाल में पशुनाथ मंदिर करी थी? हाँ बिल्कुल करी है, उनके सबूत है मेरे पास। अगर यहाँ के लोग आपका साथ दें और एक तरीका अपनाएं जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, तो क्या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, फिर तो मैं लकी हो जाऊंगी, इससे अच्छी और बात होगी क्या मेरे लिए? फिर तो दुनिया में हो जाएगा, ये फेमस हो जाएंगे, ये वीडियो चलेंगी, अगर हमारी शादी ऐसी होती तो पूरी दुनिया में चलेगी, पाकिस्तान में तो लोग इंटरेस्ट करके देखेंगे कि यार सच में सीमा कैसे जी रही है, पर ऐसा हो नहीं सकता आई थिंक। देखिए ये थी हमारे साथ सीमा, जिन्होंने बताया कि अब वो सरकार से गुहार लगा रही हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। वहीं अगर हम बात करें इनके पति हैदर की, तो इनका आरोप है कि वहाँ पर वो खुश नहीं थी, ना ही उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी, जिसकी वजह से इन्हें एक पबजी गेम से यहाँ पर सचिन से प्यार हुआ, भारत आई और अपनी प्रेम कहानी को सक्सेसफुल बनाया। आप देखना होगा, क्योंकि गुहार लगा रही हैं कि आधार कार्ड बने, बच्चे शिक्षा लें, अच्छे स्कूलों में जाएँ। अब देखना होगा कि कितनी इनकी प्रेम कहानी सफल होती हुई नज़र आती।